हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं साधना मिश्रा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल पंचमढ़ी के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका के विषय में पढ़े थे। पंचमढ़ी को हम पंच पांडव के नाम से भी जानते हैं। पंचमढ़ी में हमको क्या पढ़ना है कि यह किस जिले में है, किस राज्य में है, यहाँ पे नदी कौन सी है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किस सन में हुई थी और इसके खोजकर्ता कौन हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह किस राज्य में है, क्योंकि प्रश्न ऐसा भी आता है कि पंचमढ़ी किस राज्य में है। राज्य, जिला, खोज, इसकी खोज किस सन में हुई थी, खोजकर्ता यह किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। प्रदेश में है। और जिला कौन सा है, तो जिला होशंगाबाद है। इसकी खोज किसने की थी, 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी ईस्वी में। और खोजकर्ता कौन है, जी आर हंटर जी आर हंटर ने 1932 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और डी एच गार्डन ने इसकी खोज 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में डी एच गार्डन ने इसकी खोज की थी। तो 1932 में जी आर हंटर और 1936 में डी एच गार्डन ने इसकी खोज की थी। अब यहाँ पे पर्वत श्रृंखला कौन सी है, पर्वत श्रृंखला पर्वत श्रृंखला और पहाड़ी यहाँ पे महादेव पर्वत श्रृंखला है, महादेव पर्वत श्रृंखला। और पहाड़ी कौन सी है, तो पहाड़ी यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी। की पहाड़ी है। अन्य नाम में इसके क्या है, इसको सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सतपुड़ा की रानी भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पे गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, तो गुफाओं की कुल संख्या
गुफाओं की कुल संख्या, तो यहाँ पे गुफाओं की कुल संख्या 50 है। अब होशंगाबाद से पंचमढ़ी की दूरी कितनी है? तो होशंगाबाद से पंचमढ़ी की दूरी 41 किलोमीटर दूर है। अगर कभी ऑप्शन में 41 की बजाय 42 दे दिया जाए तो आप 42 पे भी टिक कर देंगे, अगर 41 न दिया रहे तो। होशंगाबाद से पंचमढ़ी की दूरी 41 किलोमीटर दूर है। 41 किलोमीटर मीटर दूर है। पंचमढ़ी की तुलना किससे की गई है? अगर कभी प्रश्न बने कि पंचमढ़ी की तुलना किससे की गई है, पंचमढ़ी की तुलना पंचमढ़ी की तुलना किससे की गई है? तो अल्तामीरा से, स्पेन की गुफा अल्तामीरा से। और ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि भारत की अल्तामीरा किसे कहा गया है? तो भारत की अल्तामीरा पंचमढ़ी को कहा गया है। भारत की अल्तामीरा किसको कहा गया है? भारत की अल्तामीरा पंचमढ़ी को कहा गया है। अब प्रसिद्धि देख लेते हैं। शैल चित्रों के लिए इसकी प्रसिद्धि है। इसे पंच पांडव की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्धि में अगर कभी प्रश्न बने कि पंचमढ़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, इसको पंच पांडव गुफा, क्योंकि इसका संबंध महाभारत के पांडव से भी है, किसके लिए प्रसिद्ध है? और ऑप्शन में रहे पांडवों के लिए, गुफाओं के लिए शैल चित्रों के लिए
चलचित्रों के लिए, और तीसरा चौथा वाह्य, चौथा क्या है, अंतःकरण के लिए, अंतःकरण के लिए तब हमारा राइट आंसर क्या होगा। अगर पूछे कि पंचमणि किसके लिए प्रसिद्ध है, पांडवों के लिए, गुफाओं के लिए, शैलचित्रों के लिए, अंतःकरण के लिए, तो आप लोग पांडवों के लिए नहीं होगा, ये पांडवों के लिए नहीं होगा, गुफाओं के लिए, जब ये होगा शैलचित्रों के लिए, तो हमारा राइट आंसर जाता है सी, तीसरे सी, शैलचित्रों के लिए, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल की कोई भी गुफा अगर पूछे और उसमें प्रसिद्धि पूछे तो वो शैलचित्रों के लिए ही प्रसिद्ध है। अब यहाँ के चित्र कैसे बने थे, यहाँ पर यहाँ के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया था, तो यहाँ के चित्रों को तीन भागों में बांटा गया है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके फिर से लिखते हैं। प्रश्न हमारा यहीं से बनेगा कि यह किस राज्य में है, तो राज्य में मध्य प्रदेश, जिला कौन सा है, होशंगाबाद, खोज, तो इसकी खोज 1932 में जी आर हंटर ने और 1936 में डी एच गार्डन ने की थी। यहाँ पर पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो महादेव पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर पर्वत कौन सा, पहाड़ कौन सा है, पहाड़ी, तो सतपुड़ा की पहाड़ी है। नदी कौन सी है, तो नदी में तवा नदी है। नदी कौन सी है, नदी, यहाँ पे तवा नदी। तवा नदी। यहाँ पर गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, तो गुफाओं की कुल संख्या 50 है। और इसकी तुलना किससे की गई, पंचमणि की तुलना स्पेन की गुफा अल्तामीरा से की गई है। स्पेन की गुफा अल्तामीरा से की गई है, अल्तामीरा। अल्तामीरा से की गई है। और भारत की अल्तामीरा किसे कहते हैं, तो पंचमणि को कहते हैं। इसे पंच पांडव गुफाओं के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका संबंध महाभारत के पांडव से भी है। कभी ऑप्शन में अगर बने पंचमणि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल की कोई भी प्रसिद्धि शैलचित्रों के लिए ही है। इसको सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, इसको सत, क्योंकि यहाँ पे सतपुड़ा पहाड़ी सतपुड़ा है, इसलिए इसको सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। और यहाँ के चित्रों को तीन भागों में बांटा गया है। पंचमणि से प्राप्त चित्र किस काल के हैं, तो पंचमणि से प्राप्त चित्र नवपाषाण काल के हैं। यहाँ से प्राप्त चित्र नवपाषाण काल के हैं। नवपाषाण काल के यहाँ से प्राप्त चित्र नवपाषाण काल के हैं। यहाँ के चित्रों को तीन भागों में बांटा गया है।
को तीन भागों में, कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। बांटा गया है पहला चित्र कैसा है, तो पहला चित्र तख्तीनुमा व डमरूनुमा व डमरूनुमा मानवाकृतियां, नुमा मानवाकृतियां, मानवा मानव आकृतियां, तो पहला पहले स्तर का चित्र कैसा था, तख्तीनुमा व डमरूनुमा मानव आकृतियां थी। दूसरा दूसरा चित्र, इसमें आकृतियां बेडौल ओजपूर्ण, इसमें आकृतियां इसमें आकृतियां बेडौल बेडौल ओजपूर्ण कोई भी काम आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो वो काम उतना बढ़िया नहीं होगा, लेकिन जब उसी काम को आप बार बार करोगे तो वो काम अपने आप ही बढ़िया बनने लगेगा, उस काम में निखार आ जाएगा। ओजपूर्ण एवं असंतुलित हैं, एवं असंतुलित, इसमें आकृतियां बेडौल ओजपूर्ण एवं असंतुलित हुई। पहले की तुलना में दूसरी आकृतियों में कुछ सुधार हुआ। फिर तीसरी आकृतियां कैसी बनी थी, तीसरी आकृतियां कुछ स्वाभाविक हैं, कुछ स्वाभाविक हैं, कुछ स्वाभाविक हैं और कुछ चित्र घरेलू कुछ चित्र कैसे हैं, घरेलू और सामाजिक जीवन से संबंधित हैं, और सामाजिक जीवन से जीवन से संबंधित हैं। अब जब तीसरी बार चित्र बनाए तो वो चित्र कैसे बने, वो चित्र स्वाभाविक और कुछ चित्र घरेलू और सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। यहाँ के चित्रों को तीन भागों में बांटा गया, पहला चित्र तख्तीनुमा डमरूनुमा, दूसरा बेडौल ओजपूर्ण असंतुलित, और तीसरा चित्र जो कि घरेलू और सामाजिक जीवन से संबंधित थे। अब पंचमढ़ी से प्राप्त स्थान, पंचमढ़ी से कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं, पंचमढ़ी से प्राप्त स्थान, पहला स्थान है महादेव बाजार गुफा, पहला महादेव बाजार गुफा, बाजार गुफा, जम्बूद्वीप, इमली खो,
इमली खो, मांडा देव, महादेव बाजार गुफा, जम्मू देव, इमली खो, मांडा देव और लश्करिया खो, लश्करिया खो, ये तो स्थान हो गए कि पंचमढ़ी से कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ से कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं। पंचमढ़ी से प्राप्त चित्र, इसमें नृत्य वादन का चित्र कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राप्त, नृत्य वादन का चित्र, नृत्य वादन का चित्र चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इमली जम्मू द्वीप से प्राप्त हुआ है, जम्मू द्वीप से, जम्मू द्वीप से प्राप्त हुआ है। और कहाँ से नृत्य वादन का चित्र प्राप्त हुआ है, और कहाँ से, लिखुनिया से प्राप्त हुआ है। दूसरा, विशालकाय चीते का चित्र, विशालकाय विशालकाय चीते का चित्र मांडादेव से, मांडादेव से। विशालकाय चीते का चित्र मांडादेव से प्राप्त हुआ है। बंदरों का समूह, बंदरों का समूह इमली खो से, इमली खो से। और यहाँ से कई भी महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त हुए हैं। इन सभी को एकदम डीप में पढ़ने के लिए आप लोग हमारे आर्ट गंगा ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें क्लासेज पूजा मैम के द्वारा पढ़ाई जाती है, आप लोग उसको पढ़िए। फिर यहाँ के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है, अगर कभी प्रश्न बने कि यहाँ के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है, तो डीएच गार्डन को, यहाँ के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय, यहाँ के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है, डीएच गार्डन को, डीएच गार्डन, एच गार्डन। अगर कभी प्रश्न बने कि धनुर्धारियों के सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं, धनुर्धारियों के सबसे ज़्यादा चित्र पंचमढ़ी में प्राप्त हुए हैं और शिकार का सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ प्राप्त हुआ है, भीमबेटका में, धनुर्धारियों का, सबसे ज़्यादा चित्र चित्र कहाँ प्राप्त हुआ है, पंचमढ़ी में। और शिकार का सबसे ज्यादा चित्र, शिकार का भीमबेटका में। भीमबेटका में अब प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा कि यहाँ के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है,
यहाँ पे नदी कौन सी है? तो तवा नदी है। यहाँ के चित्रों को तीन भागों में बांटा गया है। यहाँ से प्राप्त चित्र नवपाषाण काल के हैं। पहला चित्र तख्तीनुमा व डमरूनुमा मानव आकृतियाँ, दूसरा इसमें आकृतियाँ बेडौल, ओजपूर्ण एवं असंतुलित है, तीसरे में कुछ स्वाभाविक है। तीसरे स्तर के कैसे चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कुछ स्वाभाविक हैं और कुछ चित्र घरेलू और सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। पंचमढ़ी से प्राप्त स्थान कौन कौन से हैं? तो महादेव बाजार गुफा, जम्मू द्वीप, इमली खो, मांडा देव, लश्करिया, यहाँ के प्रमुख स्थान हैं। यहाँ से प्रमुख प्राप्त चित्र कौन कौन से हैं? तो नृत्यवादन का चित्र जम्मू द्वीप से, शहद एकत्रित करते हुए पंचमढ़ी से, क्योंकि पंचमढ़ी में ही सामाजिक जो चित्र उनके प्राप्त हुए थे सामाजिक जीवन से संबंधित थे, तो शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ प्राप्त हुए? पंचमढ़ी में। और बंदरों का समूह इमली खो में, विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ प्राप्त हुआ है? तो महादेव बाजार गुफा में। सितार वादन तथा गर्दभ मुख देवता के चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? लश्करिया खो में। सांभर के आखेट का दृश्य कहाँ प्राप्त हुआ है? इमली खो में। तो विद्यार्थियों, ये था पंचमढ़ी में जितने भी इम्पॉर्टेंट थे सभी को हमने बता दिया। प्रश्नों के माध्यम से भी हमने इसको बताया। विद्यार्थियों, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।